हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया गया है तो सबसे पहले कॉजेज एंड रिवोल्स ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन आपका पहला टॉपिक होता है ठीक तो वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू कम्प्लीट सिलेबस ऑफ हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस और जोग्राफी ऑन दिस चैनल तो आपको सारे वीडियोस हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस से मैथमेटिक्स से और जोग्राफी से रिलेटेड मिलेंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यू डोंट हैव टू पे एनी तो अगर हम कॉजेस एंड रिवोल्ट ऑफ एटीन की बात करें इसे फर्स्ट वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री uh, है जिसमें मल्टी लैंग्वेजेस है यू नो इट कल्चरली डाइवर्स कंट्री इसमें मल्टी रिलिजन्स है बहुत सारे रिलिजन्स बहुत सारे कल्चर्स बहुत सारे ट्रेडिशंस बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है की जाती है इट, इट सो इज़ अ डाइवर्स कंट्री लेकिन इस बार जब ये जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ यहाँ पर हर कल्चर से हर रिलीजन से लोग एकजुट हुए उनमें यूनिटी आ गई और उस यूनिटी उस यूनिटी के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया लेकिन इस रिवोल्ट के कुछ कॉजेज थे क्यों ये सारे लोग यूनाइट uh, हो गए क्यों वो अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के हम वो कॉजेस पहले देखते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि लोगों में नेशनैलिटी ग्रो uh, हो गई उनमें पेट्रियोटिज्म ग्रो हुआ, uh, हुआ किस वजह से जिस वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया और डेट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइन उसके अलावा जो कॉजेस थे जिसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया वो कौन से कॉजे थे पहला इट्स नॉट लाइक पहला दूसरा बट ये सारे कॉजे एक साथ ही डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इमर्ज uh, हो रहे थे तो पॉलिटिकल कॉज वाज़ देयर इकोनॉमिक कॉज वाज़ देयर सोशल एंड रिलीजियस कॉज वाज देयर मिलिट्री कॉज वाज देयर एंड इमीडिएट कॉज वाज आल्सो देयर तो पहले हम तो पहले हम पॉलिटिकल कॉज को डिस्कस करेंगे ठीक है अगर हम पॉलिटिकल कॉज की बात करते हैं तो वन सेकेंड पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले आता है सब्सिडरी अलायंस क्या आता है सब्सिडरी अलायंस अब इसका मेन पर्पस क्या था इसका मेन पर्पस था इंडियन रूलर्स को इंडियन रूलर्स को अंडर कंट्रोल लाना अंडर कंट्रोल लाना और ब्रिटिश को पावरफुल बनाना जब इंडियन रूलर्स अंडर कंट्रोल होते तो तभी ब्रिटिश क्या बनते ब्रिटिशर्स uh, क्या बनते वो पावरफुल बनते ये इनका मेन पर्पस था तो जो ये सब्सिडरी है, ये कब लॉन्च हुआ था 1798 में अब इस सब्सिडरी अलाइंस में ब्रिटिशर्स जो थे वो कुछ कंडीशंस रखते थे किन के सामने वो पहले अटैक करते थे वीक रूलर्स के, वीक रूलर्स को वो इन वीक रूलर से कहते थे कि आप वीक है आपकी जो फोर्सेस है आपका जो किंगडम है वो बहुत ही वीक है तो आपको हेल्प की जरूरत चाहिए तो पहली कंडीशन ये होती थी कि वो जो उनके फोर्सेस है मिलिट्री फोर्सेस है उनको डिस्पर्स करते उनको डिस्पर्स कर दे मीन्स वो खत्म कर दे और उनकी जगह किन को लाए ब्रिटिश सोल्जर्स uh, को लाए ब्रिटिश फोर्सेस को लाए सो so दैट कोई भी फॉरन या लोकल इन्वेजन ना हो कोई भी उन उनपे अटैक ना कर पाए ठीक है ये पहली कंडीशन होती थी दूसरी कंडीशन जो ये रखते थे कि एक ब्रिटिश वन ब्रिटिश ऑफिशियल को इन्हें अपने कोर्ट में रखना ही रखना था सो so दैट वो उन्हें उनकी डेली एक्टिविटीज में डे टू तो डे एक्टिविटीज में क्या कर सके हेल्प कर सके तो पहली कंडीशन क्या थी वो अपने फोर्सेस को हटा के ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी फोर्सेज में रखे ठीक है सो दैट कोई भी फॉरेन या लोकल इन्वेजन ना हो कोई भी रूलर कोई भी पावरफुल रूलर उन पे अटैक ना करे उनकी जो स्टेट है उनका जो एरिया है उसे इन्वेड ना करे सेकंड कंडीशन थी कि उन रूलर्स को उन इंडियन रूलर्स को एक ब्रिटिश ऑफिशियल अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करेगा हेल्प करेगा उसके बाद जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके स्टेट्स में जितने भी फॉरेनर्स हैं उन्हें क्या कर दिया जाए उन्हें एक्सपेल कर दिया जाए एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिशर्स सिर्फ ब्रिटिशर्स को वहां पे रहने दें और बाकी जितने भी फॉरेनर्स आए थे क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से ट्रेडर्स uh, आए थे क्या करने के लिए बिजनेस करने के लिए इंडिया में तो ये ब्रिटिशर्स चाहते थे उन सारे फॉरेनर्स को uh, बाहर कर दे एक्सपेल कर दे ताकि सिर्फ ब्रिटिश ही वहां पर बिजनेस कर सके ट्रेड कर सके और जो लास्ट कंडीशन थी इनकी वो ये थी कि वो इंडियन रूलर्स जो सब्सिडरी अलायस वो इंडियन रूलर जो सब्सिडरी अलाइंस साइन करेंगे वो किसी भी दूसरे स्टेट के रूलर के साथ अलायंस नहीं कर पाएंगे ये इनकी लास्ट कंडीशन हुआ करती थी अब जो ये सब्सिडरी अलायंस है अब जो ये सब्सिडरी अलाइंस है ये पहले किस स्टेट ने साइन की थी इट वॉज हैदराबाद हैदराबाद पहली स्टेट थी जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी और हैदराबाद के बाद इट वाज अवध अवध के बाद ग्वालियर और फिर माइसोर इन्होंने क्या किया था इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ तो पॉलिटिकल कॉज में यह पहला कॉज था अब पोलिटिकल कॉज का जो नेक्स्ट रीजन uh, था वो क्या था इट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप सबने इसके बारे में सुना होगा इट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अब ये किसने स्टार्ट किया था इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डेल हाउसी लॉर्ड डेल हाउसी अब इसमें क्या था यहाँ पर जो भी इंडियन रूलर्स थे जिनके अपने बेटे नहीं हुआ करते थे आ, एर्स नहीं हुआ करते थे, आ, तो उनकी प्रॉपर्टी ब्रिटिश ने सोचा कि उनकी प्रॉपर्टी हम कैसे हड़प ले तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और ये किसने बनाई थी लॉर्ड डेल हाउजी ने बनाई तो आ, जिसने सबसे पहले रिवोल्ट किया था दैट वाज नाना साहिब, जो कि पेशवा के अडॉप्टेड सन थे अडॉप्टेड बेटे थे इन्होंने क्या कहा था कि जो भी अडॉप्टेड सन्स होंगे रूलर्स के उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी वो, वो एयर्स नहीं बनेंगे अपने फादर्स की प्रॉपर्टी के इरादा उनको क्या मिलेगी उनको पेंशन मिलेगी तो नाना साहब की जो पेंशन है वो बंद कर दी गई थी जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके तहत जो सबसे पहली स्टेट थी जिसको कैप्चर किया गया था सबसे पहली स्टेट जो कैप्चर की गई थी वो कौन सी थी इट वॉज सतारा सबसे पहली स्टेट जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने हड़प ली थी वो कौन सी थी सतारा सेकेंड वन कौन सी थी इट वॉज भगत तीसरी कौन सी थी दैट वॉज उदयपुर फोर्थ वन इट वॉज संबलपुर फिफ्थ वन वॉज झांसी वॉज जयपुर सेवेंथ वॉज नागपुर और एट्थ कौन सी थी अवध तो जब इतनी सारी स्टेट uh, को कैप्चर किया था इन्होंने ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उसकी वजह से क्या हुआ लोगों में गुस्सा आ गया और उन लोगों ने भी उनके जो रूलर्स थे इन सारी स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया तो आप किन किन ने रिवोल्ट स्टार्ट किया और किस किस स्टेट से स्टार्ट किया उसकी लिस्ट में आपको बता देती हूँ अगर हम डेली की बात करें डेली से किसने लड़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट दैट वॉज बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर और उस टाइम पे उनके कमांडर इन चीफ कौन थे उस टाइम पे उनके कमांडर इन चीफ कौन थे इट वॉज बख्त खान इट वॉज बख्त खान तो दिल्ली से किसने लड़ा बहादुर शाह जफर ने और कमांडर इन चीफ उसके कौन थे उस टाइम पे इट वॉज बख्त खान ये पहला था कानपुर से किसने लड़ा था इट वॉज नाना साहेब जो किसके बेटे थे पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड बेटे थे और उनका रियल नेम नाना साहेब का रियल नेम था दोंदू पंत दोंदू पंत और उनके साथ कौन थे तांतिया तोप तांतिया तोप जिनका असली नाम था राम चंदर पांडुरंग रामचंदर पांडुरंग तो आपने अभी तक क्या पढ़ा पॉलिटिकल कॉज में सब्सिडरी अलायंस साइन करवा दी गई थी और सब्सिडरी अलायंस का मेन पर्पस क्या था इंडियन रूलर्स uh, को अंडर कंट्रोल लाना था सो दैट ब्रिटिशर्स क्या बन जाए वो पावरफुल बन जाए और सब्सिडरी uh, अलायंस ये वीक रूलर्स से सबसे पहले साइन करवाते थे उनसे ये कहा जाता था कि आप अपनी आर्मी को हटा के अपने फोर्सेस को हटा के ब्रिटिश मिलिट्री ब्रिटिश फोर्सेस उनको उन ट्रूप्स को अपनी किंगडम uh, में रखे सो so दैट कोई भी फॉरेन या लोकल इन्वेजन ना हो पाए दूसरी एक ब्रिटिश ऑफिशियल को कोर्ट में रखना पड़ेगा सो so दैट वो आपकी डे टू डे लाइफ या डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करे हेल्प कर सके उसके बाद जितने भी फॉरेनर्स आपकी स्टेट में हैं उन्हें एक्सपेल करना पड़ेगा क्यों क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही आपकी स्टेट में ट्रेड करने का मौका मिलना चाहिए एंड द लास्ट वन वॉज जो भी कोई रूलर सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा वो किसी और स्टेट के रूलर के साथ अलायंस नहीं बना सकता है और सब्सिडरी अलायंस कब लॉन्च हुआ था इन सेवनटीन और किसने वो लॉन्च किया था सब्सिडरी अलाइन वॉज लॉन्च बाय लॉर्ड वेलेसली शायद मैं ये गई थी बताना सो यू कैन राइट इट नाउ लॉर्ड वेलेसली ने सेवनटीन में सब्सिडरी अलायंस लॉन्च किया था और सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसे सब्सिडरी अलायंस साइन किया था इट वॉज हैदराबाद उसके बाद इट वॉज अवध ग्वालियर एंड माइसोर उसके बाद हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जिसमें अगर किसी किंग का बेटा ना हो तो जो उसका अडॉप्टेड सन है वो उसकी प्रॉपर्टी हायर नहीं कर सकता है उसके बदले उसको सिर्फ पेंशन मिलती थी और नाना साहिब की जब पेंशन स्टॉप हुई थी वो पहले किंग अडॉप्टेड वो पहले आ, रूलर थे जिन्होंने क्या किया था रिवोल्ट आ, स्टार्ट किया था क्योंकि जब उनकी पेंशन बंद हुई थी एज ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया अब जो डिफरेंट स्टेट्स थी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने हड़प ली थी कैप्चर कर ली थी वो कौन कौन सी थी द फर्स्ट वन वो सतारा देन भगत देन उदयपुर संभलपुर झांसी जयपुर नागपुर और अवध उसके बाद जहां जहां से रूलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से रूलर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के लिए डॉक्ट ऑफ लैब्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था उसके अगेंस्ट लड़ा था तो वो कौन सी थी पहली थी दिल्ली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने लड़ा था और उनके कमांडर इन चीफ थे बख्त खान देन कानपुर से नाना साहेब ने जिनका असली नाम था दोंडु पंत और उनके साथ थे तांतिया तोप जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडु रंग उसके बाद अवध से अवध से किसने लड़ा था इट वॉज बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल ने अवध से लड़ा था एंड मोहम्मद अहमदुल्ला। मोहम्मद अहमदुल्ला कहां से लड़ा था अवध से फोर्थ वन जगदीशपुर जगदीशपुर बिहार से किसने लड़ा था कुंवर सिंह एंड हिज ब्रदर अमर सिंह ये दो भाइयों ने कहा से जगदीशपुर बिहार से लड़ा था कौन कौन कुंवर सिंह एंड अमर सिंह फाइन उसके बाद है झांसी सेकेंड ये तो सबको पता होगा झांसी से किसने लड़ा था इट वॉज झांसी की रानी वट वॉज हर रियल नेम रानी रानी लक्ष्मी सेकेंड लक्ष्मी बाई ओके okay. मथुरा से किसने लड़ा था देवी सिंह और लास्ट मीरठ हु फॉट फ्रॉम द मीरठ इट वॉज कदम सिंह इट वॉज कदम सिंह तो किस किसने लड़ा था डेली से बहादुर शाह जफर ने बक्त खान उनके कमांडर इन चीफ थे कानपुर से नाना साहिब ने उनका रियल दोंदू पंत था तांतिया और उनके साथ तांतिया तोप थे जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था अवध से बेगम हजरत महल ने एंड मोहम्मद अहमदुल्ला और, और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह एंड ब्रदर अमर सिंह उसके बाद झांसी से किसने लड़ा था झांसी की रानी रियल नेम रानी लक्ष्मीबाई और सिक्स मथुरा से किसने लड़ा था देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह ने लड़ा था दीज वो योर पोलिटिकल कॉजेस दीज वो योर पोलिटिकल कॉजेस इसके बाद द सेकेंड कॉज दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इज सोशल

पहली चीज जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी वो थी जमींदारी सिस्टम क्या थी जमींदारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम का दूसरा नाम है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1793 में किसने इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड कॉर्न वॉलेस लॉर्ड कॉर्न ने इंट्रोड्यूस की थी अगर इसने इंट्रोड्यूस की थी तो रेकमेंड किसने की थी रेकमेंडेशन किसकी थी रेकमेंडेशन थी ये जॉन सॉरी यहां पे एम आ गया जॉन शोर ने जॉन शोर सो जॉन शोर ने रेकमेंड किया था लॉर्ड कॉन ने इंट्रोड्यूस किया क्या इंट्रोड्यूस किया ज़मींदारी सिस्टम और कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये 1793 में और जमींदारी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इसमें क्या कहा गया था कि जो जमींदार है ये एक्चुअली टैक्स सिस्टम था इनको पूरी कंट्री से कहीं ना कहीं से टैक्स लेना ही लेना था तो इन्होंने उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स बनाए थे किसने ब्रिटिशर्स ने तो जमींदारी सिस्टम में क्या था जो जमींदार थे उन उनसे कहा गया था कि आप 89% परसेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो है वो किनको देंगे ब्रिटिशर्स को और जो 11% परसेंट बचता है वो किनको मिलेगा वो वो अपने पास रख सकते हैं फाइन इससे बहुत सी इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन भी हुई थी कंट्री में जो हम आगे देखेंगे इसके बाद जमींदारी सिस्टम के बाद जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था दैट वाज़ रोतवारी रोतवारी सिस्टम इट वॉज रोतवारी सिस्टम ये इन्होंने कहां पे स्टार्ट किया था साउथ इंडिया में कहां पे साउथ इंडिया में किसने मीन्स इट वॉज स्टार्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे मद्रास एंड असम बॉम्बे मद्रास एंड असम और साउथ इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था रियोत सिस्टम से सबसे ज्यादा टैक्स आ, आता था क्यों क्योंकि यहाँ पे जो जमींदार्स थे या फिर इंटरमीडियरीज होते थे वो यहाँ पे नहीं होते थे क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट उस टैक्स में निकाला करते थे तो रियोत सिस्टम में आ, सबसे ज़्यादा टैक्स ब्रिटिशर्स को मिलता था अब अगर हम ये वर्ड रियोत लेंगे इसका मतलब होता है फार्मर्स तो ये टैक्स कौन बरते थे ये टैक्स फार्मर्स बरते थे पहला वाला जमींदार बरते थे तो ये रिहोतवारी सिस्टम में फार्मर्स जाके टैक्स के आते थे और ये रिहोतवारी सिस्टम जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मनरो चार्ल्स रीड थॉमस मुंड्रो एंड चार्ल्स रीड तो रियोत सिस्टम में फार्मर्स टैक्स भरते थे और सबसे ज्यादा टैक्स रियोत सिस्टम से ही ब्रिटिशर्स को मिलता था और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे में मद्रास में और असम में और किसने स्टार्ट किया था चार्ल्स रीड एंड थॉमस मुंड्रो ने ठीक है तीसरा इकोनॉमिक कॉज जो था दैट वाज महलवारी सिस्टम इट वाज महलवारी सिस्टम ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था गंगा वैली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एजिया यहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था और महल का मतलब क्या होता है महल का मतलब होता है विलेज तो यहां पे सिर्फ फार्मर ही नहीं सिर्फ जमींदार ही नहीं पूरा का पूरा विलेज टैक्स भर के आता था और ये किसने स्टार्ट किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटेक तो ये तीसरा रीजन था किसका इकोनॉमिक कॉज का इससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुई थी कंट्री में उन दिनों। जो वीवर्स थे क्राफ्ट्समैन थे आर्टिजन थे उनके पास काम नहीं था करने के लिए क्यों क्योंकि वो जो हैंडमेड चीज़ें बना बनाते थे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने लगी थी वो जो रॉ मटेरियल वो लेते थे वो इंडिया से ही लेते थे और जब उसका प्रोडक्ट बनाते थे थ्रू मशीनरीज वो प्रोडक्ट वो सस्ती रेट्स पर इंडिया में उनको मार्केट भी कहाँ मिला था इंडिया में ही तो वो रॉ मटीरियल भी इंडिया से ही लेते थे और प्रोडक्ट्स बेचने भी इंडिया ही आते थे और जब प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में वो इंडिया में बेचने लगे तो जो वीवर्स या क्राफ्ट्समैन थे उनके हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो थे एक तो वो कम बनते थे और दूसरा कॉस्टलियर होते थे तो उनका क्या हुआ उनसे वो प्रोडक्ट्स किसी ने लिए ही नहीं और उनका काम धीरे धीरे कम होने लगा और वो अनएम्प्लॉय होने लगे अनएम्प्लॉयड होने लगे जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ डी इंडस्ट्राइजेशन स्टार्ट होने लगा फाइन ये थे आपके इकोनॉमिक इसके अलावा मुझे नहीं लगता एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टॉप द दीडियो हेयर ओनलीस्ट कॉजेज टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट कॉजेज इन आर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज